हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रियांस किचन टुडे आई हैव कैम विद समर स्पेशल आम पन्ना रेसिपी होप यू आर गुड एंड हेल्दी स्टे एट होम स्टे हेल्दी अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए सो नाउ लेट्स स्टार्ट हमने यहाँ दो कच्चे आम लिए हैं इसे हमें पिल कर लेना है इस तरह से हमें दोनों आम को पिल कर लेना है अब हम इसे छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे हमने यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड आम पन्ना बनाने की कोशिश की है ताकि आप इसे फ्रीज में दो से तीन वीक तक स्टोर करके रख पाए यह समर के लिए बहुत ही अच्छी ड्रिंक है आप इसे घर पर जरूर बनाएं। हमने यहाँ एक पैन में वाटर को बॉईल होने दे दिया था ये बॉईल हो चुकी है इसमें हम अब मैंगो को ऐड करेंगे इसमें थोड़े से सॉल्ट देकर इसे कवर करके तीन से चार मिनट तक इसे कुक होने देंगे अब हम इसे चेक कर लेते हैं देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे हमने यहाँ एक पैन में वन टेबल जीरा दो लाल मिर्च वन टेबल स्पून सौंफ इसे मिक्स करके रोस्ट करना है हाफ टेबल स्पून गोल मिर्च भी इसमें हम ऐड करेंगे इन सबको ड्राई रोस्ट पाउडर बनाना है इसे हम एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करना है ज़्यादा फ्राई नहीं करना है अब इसे ये देखिए ये हो चुकी है अब इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे ब्लेंड करके पाउडर बना लेंगे यहाँ हमने पैन में वाटर डाल दिया है इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और यहाँ पर एक चीनी का सल्यूशन बना लेंगे हमें इस तरह से चीनी को चलाते रहना है ताकि जो चीनी है वो नीचे जमे नहीं अब हम एक जार में आम को ट्रांसफर कर लेंगे ये ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे वन से टू टेबल स्पून ड्राई रोस्ट जो हमने पाउडर बनाया है वो यहाँ हमने हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट यूज किया है हाफ टेबल स्पून नॉर्मल सॉल्ट वन टेबल स्पून चाट मसाला और इसे हमें ब्लेंड करके प्यूरे बना लेना है यहाँ हमने चीनी का जो घोल तैयार किया है उसमें इसे ब्लेंड करने के बाद ट्रांसफर करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसके बाद इसे हमें पाँच से सात मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पकाना है ये देखिए इसमें उबाल आ रही है हमें चम्मच से इस तरह से चलाते रहना है देखिए इसकी कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गई है अब हमें फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए देना है इसके बाद ये जब ठंडा हो जाए तो हमें एक इसे जार में ट्रांसफ़र करके हम इसे फ्रीज में टू टू थ्री वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं यहाँ हमने दो से तीन चम्मच आम पन्ना का कॉन्सनट्रेटेड जो आम पन्ना बनाया वो हमने डाला है इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स और बिल्कुल एकदम चिल्ड वाटर अब इसे मिक्स कर देना है ये बिल्कुल तैयार है अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें